हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से जो है MI Note 5 का FRP रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है मिराकल क्रैक को रन इज एडमिनिस्ट्रेटर पर रन करना है। तो उसके बाद इसको क्लोज करके ट्राई दे देना है। तो इस फाइल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद आपको डिवाइस मैनेजर को खोल लेना है। तो यहाँ पर आपको जो है ड्राइवर वगैरह यहाँ पर शो करेगा नहीं करेगा, इसीलिए दिखाने के लिए मैं इसको खोल लिया। तो यहाँ पे आपको एक इमेज शो हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे इन दो पॉइंट को शॉर्ट करके आपको EDL मोड में फ़ोन को कनेक्ट कर लेना है। तो फ़ोन को आप खोल लीजिए, पहले इसको बैटरी को रिमूव कर दीजिए, उसके बाद इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट करके USB को कनेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कॉलकॉम का ड्राइवर जो है यहाँ पे शो हो चुका है। अब सिंपली यहाँ पे कॉलकॉम को आपको सिलेक्ट करना है। कॉलकॉम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पोर्ट को स्कैन करेंगे तो आपके सामने ये जो है आ जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है इन दोनों को अनचेक करके यहाँ पे एक फाइल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो इस फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है, ये जीप फाइल में रहेगा। तो इसको आपको ओपन करना है, ओपन करके यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको जो एक्स्ट्रा का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको रिमूव अकाउंट लॉक देके स्टार्ट दे देना है। स्टार्ट देने के बाद यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे डन हो चुका है। उसके बाद आपके सामने देखिए एक इन्फॉर्मेशन शो हो रहा है। तो यहाँ पर आपको रेडमी 5 प्लस को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए 3S है, तो यहाँ पे मैं 5 प्लस को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे MI अकाउंट अनलॉक के ऊपर क्लिक करके स्टार्ट दे देता हूँ। तो स्टार्ट देने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप इसको जो है करते हैं तो आपके जो फ़ोन में जो है MI अकाउंट है तो ये ऑल डन हो चुका है, रीसेट हो चुका है। तो अब सिंपली हम हमारे फ़ोन पे पास भी जाके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, उसके बाद फ़ोन में जाके आपको दिखाते हैं। पहले हम हमारे फ़ोन के पास आ गए तो बैटरी को यहाँ से हम लगा लेते हैं। उसके बाद फ़ोन को अगर हम ऑन करके आपको दिखाते हैं तो देखिए मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको सिंपली। तो यहाँ पर देखिए ये फ़ोन हमारा ऑन हो रहा है। तो यहाँ पर मैं सब कुछ सिलेक्ट कर रहा हूँ, आपका टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए इसीलिए। तो फाइनली देखिए हमारा फ़ोन जो है पूरी तरह से जो है MI अकाउंट रीसेट हो चुका है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी अगर आपके मन में कई सवाल है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए।